हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कल्पना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल वाटर्स। दैट मींस कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, स्टरलाइजेशन, ओके, पैरेंटल्स के प्रिपरेशन में, उनमें क्या डिफरेंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत बार जीपैट के एग्जाम्स में पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर में क्या डिफरेंस है, राइट? तो वो आपको डिटेल्ड वे में देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यूरिफाइड वाटर से। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि पर ml 2.29 से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए वायबल, राइट? वायबल मतलब जिंदा, ओके? दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है प्यूरिफाइड वाटर का, उसमें ये है कि आप 100 ml वाटर लेंगे, प्यूरिफाइड वाटर, सो कॉल्ड प्यूरिफाइड वाटर जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, और उसको ड्राई करेंगे, इट इज़ ड्राइंग, ड्राई करेंगे जब तक आपको कांस्टेंट वेट नहीं मिलता। कितनी डिग्री पे? 105 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर लेंगे, जब तक आपको कांस्टेंट वेट नहीं मिलता तब तक आप उसको हीट करेंगे, तो उसमें जो रेजिड्यू वेट बच जाएगा, मतलब वाटर तो होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो रेजिड्यू बचेगा उसका वेट 1 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? सो जो मिनिमम से मिनिमम हो और 1 mg से क्रॉस ना करें। दैट मीन्स अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो ये होगा 0.001%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप 100 ml वाटर ले रहे हैं उसमें, जो आप मान रहे हैं कि वो प्योरीफाइड वाटर है, तो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तीसरी चीज़ जो उसमें एल्यूमिनियम कंटेंट है वो 10 parts per billion से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो है, एंडोटॉक्सिन्स, वो 0.25 एंडोटॉक्सिन पर ml से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योरीफाइड वाटर की इन टर्म्स ऑफ वायबल काउंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिड्यूअल वेट, ऑन इवेपोरेशन, और इस को इवेपोरेट करते हुए जो टेम्परेचर आप यूज़ करेंगे वो 105 डिग्री, और एल्यूमिनियम कंटेंट और चौथा जो है वो है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, राइट? तो वायबल काउंट का लिमिट 2.29 पर ml, रेजिडुअल वेट 100 ml वाटर लेने के बाद नॉट मोर देन 1 mg, एल्यूमिनियम कंटेंट नॉट मोर देन 10 parts per billion, राइट? और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन 0.25 एंडोटॉक्सिन पर ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूरिफाइड वाटर के। हम नेक्स्ट जो है उसकी बात करें, वाटर फॉर इंजेक्शन, राइट? जो सेकंड टाइप है, वाटर फॉर इंजेक्शन एक्चुअली हमें ऑब्टेन होता है अगर हम डिस्टिलेशन करें प्यूरिफाइड वाटर का न्यूट्रल ग्लास या क्वार्ट्स लेके, राइट? सो दैट कि उससे एसिड्स या बेस जो है वो वहाँ से लीचिंग नहीं होगा, परमिएशन नहीं होगा, कंपैरेटिवली लेस होगा। सो इन दैट केस हम न्यूट्रल ग्लास लेके अगर करेंगे प्यूरिफाइड वाटर का डिस्टिलेशन तो हमें वाटर फॉर इंजेक्शन मिलेगा, ठीक है? तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन वो 0.5 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन दिस, ओके? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड जो है वो है जो एल्यूमिनियम हमने देखा, वो भी नॉट मोर देन 10 parts per billion, और जो थर्ड कंडीशन है वो है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का, वो भी नॉट मोर देन 0.25 एंडोटॉक्सिन पर ml, राइट? तो ये है वाटर फॉर इंजेक्शन। जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ओके? हमने एडिशनली उसको क्या किया है, स्टेराइल किया है। तो इसमें जो तीन कंडीशंस हैं वो ये हैं,
कि अगर वॉल्यूम जो है लेस देन 10 ml है तब रेजिडुअल वेट ऑन इवेपोरेशन 4 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर का वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा है तो 3 mg से ज़्यादा रेजिडुअल वेट नहीं होना चाहिए इवेपोरेशन पे। और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन नॉट मोर देन 0.25 एंडोटॉक्सिन पर ml, राइट। तो ये सब था स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, प्यूरिफाइड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ये मोस्टली बहुत बार जीपैट और गेट के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने वीडियोज़ हैं उसको लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।